चार धाम यात्रा को शुरू हुए 3 सप्ताह का समय ही बीता है और धामों में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। यात्रा इस वर्ष 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री व केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ आरंभ हो गई थी। 12 मई को बद्रीनाथ धाम का तथा 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। चार धाम यात्रा इस वर्ष नित्य नए कीर्तिमान बन रहे हैं। अभी चार धाम यात्रा को शुरू हुए 3 सप्ताह का समय ही बीता है और धामों में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 14 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस वर्ष सबसे अधिक 5.70 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड हिमालय की प्रसिद्ध चार धाम यात्रा इस वर्ष 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री व केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ आरंभ हो गई थी, जबकि 12 मई को बद्रीनाथ धाम तथा 25 मई को पांचवें धाम के रूप में पहचान रखने वाले हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल गए हैं। शुरुआत से ही धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी थी, जिससे धामों तथा यात्रा मार्गों पर यात्रा व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई हैं यात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को ऋषिकेश तथा हरिद्वार में 15 से 31 मई तक ऑफलाइन पंजीकरण तक बंद करने पड़े। हालांकि चारधाम यात्रा कुछ हद तक नियंत्रित हुई है, मगर ऑफलाइन पंजीकरण ना खुलने के कारण तीर्थयात्री और परिवहन व्यवसायी नाराज हैं। उधर धामों में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का क्रम लगातार जारी है। यात्रा आरंभ होने से अब तक 3 सप्ताह का समय भी बीता है, जबकि धामों में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या विगत वर्षों की तुलना में नए कीर्तिमान बना चुकी है। 21 दिनों की यात्रा में चारधाम तथा हेमकुंड साहिब में अब तक कुल 14,03,370 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। खास बात यह है कि सबसे अधिक संख्या में श्री केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। श्री केदारनाथ धाम में अब तक 5,70,460 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में ये संख्या 3,20,740 पहुंच गई है, जबकि यमुनोत्री धाम में 2,50,826, श्री गंगोत्री धाम में 2,45,000